हेलो लर्नर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अभी तक इंग्लिश प्रैक्टिस करना बोलना स्टार्ट कर दिया होगा। अगर नहीं स्टार्ट किया है तो जल्दी से स्टार्ट कीजिए। मुझे बहुत सारे लर्नर्स का मैसेज आया था, ईमेल आया था कि उन्होंने इंग्लिश बोलना स्टार्ट किया है, मतलब जो पहले दिन पे उनका स्टेटस था और अब जो स्टेटस है क्लास 5 अटेंड करने के बाद, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वैसे तो आपको YouTube पे बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे जो आपको इंग्लिश सिखाएंगे, जिसमें आपको पूरा ग्रामेटिकल कैसे सेंटेंस बनाया जाता है, ग्रामर क्या रूल्स होते हैं, वो सब सिखाया जाएगा। बट और ये प्रॉमिस भी किया जाएगा कि आप इंग्लिश बोल पाओगे, बट आप में रियलिटी में चेंजेस आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और मैंने जो ये कोर्स आपके लिए डिजाइन किया हुआ है, 30 डेज का कोर्स, 30 लेक्चर्स का कोर्स, वो कोर्स ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो 5 लेक्चर्स में आप सोचिए कि कुछ लर्नर्स जो इंग्लिश बोल पा रहे हैं, अगर वो 30 लेक्चर्स तक देखते हैं तो उनमें क्या चेंजेस आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप में भी ये चेंजेस आए तो वो क्लास 5 तक सारे वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि मेरा वीडियो वेंसडे और सैटरडे को आता है। तो आज तो वेंसडे नहीं है, बट आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल वीडियो लेके आई हूँ जो आपका इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस में आपको हेल्प करेगा। तो वेंसडे और सैटरडे आने तक, वेंसडे आने तक आप वो सारे 5 वीडियोस देख लीजिए, 5 लेक्चर्स देख लीजिए जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो आज हम कुछ नया करने वाले हैं। वैसे तो मैं आपको हिंदी के वर्ड्स देती हूँ और आप क्या करते हैं उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इससे आपको क्या होता है, जो डेली बेसिस पे यूज होते हैं वर्ड्स, उन वर्ड्स की आपको इंग्लिश पता चलती है। हिंदी या नेटिव लैंग्वेज तो हमको पता होती है, बट उसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है ये हमें पता नहीं होता। तो आज मैं वही आपको सिखाने वाली हूँ, बट कुछ अलग तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से, जो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, जिससे अगर आप इंग्लिश बोलोगे तो आपको इंग्लिश के वर्ड्स याद करने में या ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। ये वीडियो लास्ट तक देखना, आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। आपको 5 to 7 मिनट्स चाहिए, बट ये 5 to 7 मिनट्स आपके लिए बहुत ज्यादा चेंजेस लाने वाला है। आपके सामने आपको कुछ इमेजेस दिखेंगे, उन इमेजेस को इंग्लिश में क्या बोला जाता है ये आप सोचोगे और कमेंट करोगे। आप सोचते तो हो बट सब कमेंट करना भूल जाते हो, सिर्फ एक या दो इमेजेस का या एक या दो वर्ड्स का आप मुझे कमेंट करते हो और आगे का आप कमेंट्स नहीं करते हो। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप कमेंट करोगे और मुझे बताओगे कि उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं। वैसे तो मैं भी आपको बताऊंगी, बट आपको मुझे बताना है कि उसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है। तो सबसे पहला इमेज है आपका ये, आप मुझे बताइए कि इस इमेज को आप इंग्लिश में क्या बोलोगे। ये डेली बेसिस पे घर पे यूज होता है ना, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ब्रूम। आपकी नेटिव लैंग्वेज में तो आपको पता है, बट इंग्लिश में इसे बोला जाता है ब्रूम। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया एकदम सही बताया, सही कमेंट किया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपने कमेंट भी किया है और मैं वो जरूर रीड करूंगी। आपका सेकेंड इमेज है ये, इसे आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, मिलिट्री। योर नेक्स्ट इमेज इज दिस वन, शायद ये गेस करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो आपको आपको इसका हिंदी वर्ड भी दिखेगा। क्या है ये, अपॉर्चुनिटी। इसे इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी। अब जो नेक्स्ट आपको वर्ड सोचना है वो आपको बहुत ही यूज होने वाला वर्ड है या बहुत ही कॉमन वर्ड है जो बहुत कम लोगों को पता होता है। ये देखिए, इससे आप गेस कर सकते हैं कि इंग्लिश वर्ड क्या है इसका, नीस। इसका इंग्लिश वर्ड है नीस। नेक्स्ट, इसका इंग्लिश वर्ड क्या है, नेफ्यू। इसका इंग्लिश वर्ड है नेफ्यू, ध्यान रखना, वो पहले वाला नीस था और दिस इज नेफ्यू। ये जो हर दिन हर दूसरे दिन किसी ना किसी का होता रहता है, ये क्या है, झगड़ा। इसे इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, क्वेरल। कहते हैं ना, सुनी सुनाई बातों पे विश्वास मत करो, उस सुनी सुनाई बातों को हम क्या बोलते हैं, अफवाह। अगर उसे इंग्लिश में बोलना है तो र्यूमर। सुनी सुनाई बातों को या अफवाहों को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, र्यूमर। बहुत बड़ी जगह, बहुत बड़ी जगह को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्पेशियस। आज के इस टाइम में हेल्थ पे ध्यान देना बहुत जरूरी हो चुका है। जो बहुत जरूरी चीजें हैं उन्हीं के लिए सब कुछ ओपन है, बाकी सब तो लॉकडाउन में लॉक है। तो वो बहुत जरूरी चीजों को हम क्या बोलेंगे, बहुत जरूरी चीजों को हम क्या बोलेंगे, एसेंशियल्स। क्या बता सकते हो ये कौन है, क्या कर रहा है ये,
इसे हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? ये है म्यूजिशियन। इसे हम क्या बोलेंगे? म्यूजिशियन। तो ये जो मैं कुछ वर्ड्स आपके लिए लेके आई 10 वर्ड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग वर्ड्स आपके लिए लेके आने वाली हूँ। सिर्फ वर्ड्स नहीं, उन वर्ड्स से सेंटेंसेस कैसे बनता है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताने वाली हूँ। तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का वेट करिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और पढ़ाऊँ जो आपको डाउट है, कुछ और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर लेके आऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, थोड़ा सा भी हेल्प हुआ, तो लाइक बटन हिट कीजिए। और हाँ, ये वीडियो को, ये चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, जो एक कंपल्शन है। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरे इंपॉर्टेंट लेसन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।